नरेंद्र निकुंज। अच्छा अच्छा, क्या प्रोग्राम है अपना वहाँ पे? आज एक सोसाइटी का इवेंट है जिसमें एक इलेक्शन हुआ था सोसाइटी का, उसमें 101 लोग इलेक्ट हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन सभी इलेक्ट हुए लोगों की ओथ सेरेमनी आज। ओथ सेरेमनी? ओथ सेरेमनी। क्या क्या सोसाइटी पड़ती है सर अपनी? क्या सोसाइटी का नाम है? ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज। अच्छा, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज। हाँ हाँ, रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये, काफी बड़ी पैन इंडिया लेवल पे है। कहाँ है अपना फंक्शन? ये एयरपोर्ट, हाँ, गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास है ये, एयरपोर्ट से बहुत पास पड़ता है। अच्छा, चलो बस पहुँचने वाले हैं। हाँ, बस पहुँचने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी राइट राइट राइट, फाइनली पहुँच तो गए। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट मिले थे इंदिरा जी को, दूसरे नंबर पे मिले थे आजाद सिंह को, और तीसरे नंबर पे मिले थे आपके छोटे बेटे को। बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आज, फर्स्ट टाइम इस तरह के इवेंट में आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी सर्टिफिकेट के लिए मेरा नाम बोलने वाला है, वहाँ जाता हूँ सर्टिफिकेट लेने, फिर देखते हैं क्या इवेंट होगा। फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। श्री हंसराज सैनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं संगठन के संविधान उद्देश्यों व समाज कल्याण के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संगठन के माध्यम से सर्वजातीय समाज के शैक्षिक सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए प्रयास करूंगा। मैं समाज या संगठन के किसी भी व्यक्ति के प्रति निजी ईर्ष्या भाव नहीं रखूंगा। मैं सभी के साथ मिलकर कार्य करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस दौरान यदि किसी भी पदाधिकारी सदस्य समाज के प्रति कोई बात जिससे समाज का अहित हो या संगठन भावना को ठेस पहुंचे, मेरे संज्ञान में लाई जाती है, तो बिना उसे सार्वजनिक किए सर्वप्रथम संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसकी